नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड इज टेकन एज। अगर आप इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, ठीक है, तो ये आपका जो केस बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कुछ। क्या आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, और यहाँ पे आपका क्या है, हिंज है, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या है कि इफेक्टिवली हेल्ड तो यहाँ पर भी है, ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड यहाँ पर भी है, ठीक है, बट रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, मतलब आपने रिस्ट्रेंड केवल यहाँ करके रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप मूवमेंट जनरेट हो सकते हैं, यहाँ पे मूवमेंट्स जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस केस को अगर आप कोर्ट के हिसाब से देखोगे तो कोर्ट रिकमेंड करता है, IS 800/2007 रिकमेंड करता है कि व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज हिंज्ड देन वी हैव के इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी। बट अगर कैंटिलीवर कॉलम होता, मतलब एक जगह आपका फिक्स्ड ही है केवल और दूसरी जगह आपका क्या है, फ्री है, उस केस में जो के की वैल्यू होती है वो 2 हो जाती है। अगर दोनों जगह हिंज्ड है, मतलब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन इन बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन इन ईदर एंड, देन इन दिस केस द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। मतलब कि बोथ एंड अगर हिंज्ड हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, वहीं अगर बोथ हिंज्ड एंड अगर फिक्स्ड हैं तो के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.65। इसमें दोनों एंड पे इफेक्टिवली हेल्ड है और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट डायरेक्शन भी है, ठीक है, तो इस केस में के की वैल्यू 0.65 हो जाएगी। बट क्वेश्चन में जो आस्क कर रहा है उस हिसाब से आपका सी केस बन रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन स्टड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बट रिस्ट्रेंड नॉट रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन, मतलब कि हिंज्ड है दोनों जगह हिंज्ड है, ठीक है, दोनों जगह हिंज्ड होता है तो उस केस में जो अपनी के की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 1, ठीक है। बट यहाँ पे बैटनड कॉलम की बात हो रही है, बैटनड स्ट्रट की बात हो रही है, बैटनड स्ट्रट के केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो हम इंक्रीज कर देते हैं 10% तक। अगर 10% इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो जो अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 1 थी, अगर 10% इंक्रीज करोगे तो 1.1L हो जाएगी। ऐसा करते क्यों है कि 10% हम इंक्रीज करते हैं बैटन के केस में, तो इट इज़ टू टेक केयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शीयर फोर्स एंड शीयर डिफॉर्मेशन इफेक्ट। अगर 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल शीयर फोर्स आ रहा है उसको हम अकाउंट कर सकें, है ना, उसके कारण जो शीयर डिफॉर्मेशन आ रहा है उस इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा, 1.1L। द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कैरियंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज लोड, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो बताना है कंप्रेशन मेंबर का जब उस पर डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड एक्ट कर रहे हैं। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी उसके लिए कि अगर डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड एक्ट कर रहे हैं तो जो आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर तो आपका 180 हो जाएगा सीधा सा, ठीक है, क्योंकि डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड ऐड कर रहे हैं। बट अदर केसेस क्या बोलते हैं कि इफ़ ए स्ट्रट कनेक्टेड बाय सिंगल रिवेट एट ईच एंड, ठीक है, अगर सिंगल रिवेट से मान लीजिए आपकी गसेट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, गसेट है, सॉरी, ये आपका गसेट है और ये आपका जो स्ट्रट है वो क्या है, सिंगल रिवेट से क्या है, कनेक्टेड है। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी
स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है वो 180 हो जाती है। सेकंड केस में डेड लोड और अगर इम्पोज लोड एक्ट कर रहे हैं कंप्रेशन मेंबर पे, तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 हो जाता है। जब विंड और अर्थक्वेक लोड एक्ट करते हैं उस केस में 250 स्लेंडरनेस रेशियो मिलता है। बीम की जो कंप्रेशन फ्लैंज होती है, ठीक है, उस केस में आपको जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 300 लेना है। एक केस और मिलता है जब मेंबर्स इज नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस और ए ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड। तो इस केस में जो लैम्डा की वैल्यू है वो 350 लेते हैं अपन। टाई क्या होता है, नॉर्मली टेंशन मेंबर होता है, बट होता क्या है कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के कारण क्या हो जाता है कि जो उसमें क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक है, और ये कंप्रेशन आ किसके कारण रहा है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस के कारण। तो उस केस में होता क्या है, लैम्डा की वैल्यू 350 हो जाती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में तो अभी आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेड और सपोर्ट इम्पोज लोड की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to IS 800, in the merchant Rankine formula, the value of imperfection index is, ठीक है, merchant Rankine formula किसके लिए यूज होता है पहले वो देख लें थोड़ा, कि IS 800-9084 recommends the use of merchant Rankine formula to determine the allowable stress in axial compression. Axial compression के केस में allowable stress निकालने के लिए हम merchant Rankine formula का यूज़ करते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो डेराइव किया था मर्चेंट रैंकाइन जी ने, वो था 0.6 FCC FY अपॉन FCC की पावर 1.4 प्लस FY की पावर 1.54 की होल पावर 1/1.4। ये फॉर्मूला डेराइव किया था जहाँ पे सिग्मा AC जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन है, सिग्मा AC जो वैल्यू निकालनी थी उन्हें, ठीक है ना, एक्सियल कंप्रेशन में अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू, FY की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, FCC इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन है जो यूलर्स जी ने दिया था, पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा जो है स्लेंडरनेस रेशियो है यहाँ पर, ठीक है, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। यहाँ से आप FCC निकाल लोगे, FY आपको पता है, ठीक है, पुट करेंगे आप तो यहाँ पे सिग्मा AC की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे जो N है, एन यहाँ पे फैक्टर है 1.4, ठीक है, तो उसी की बात हो रही थी कि जो इम्परफेक्शन इंडेक्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है रैंकाइन फार्मूला में। तो जो इम्परफेक्शन इंडेक्स है एन, उसकी वैल्यू 1.4 होती है अगर फार्मूला में आप देखोगे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर मिलेगा वो बी मिल जाएगा, ठीक है ना, 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The best arrangement to provide unified behavior in built-up steel column is by, अगर unified behavior, देखिए battens और column दोनों क्या करते हैं कि unified behavior को लाने का काम करते हैं। अगर आपके पास channel section है, अगर वो काफ़ी closed है, ठीक है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, lacing या batten से join कर सकते हो, जिसके कारण आपको क्या होता है कि जो column है उसका unified behavior मिलने लगता है, ठीक है। तो बट इनमें बेस्ट कौन सा होता है वो अपने को पता करना है, तो अपन कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे लेसिंग एंड बैटन्स बोथ मेक्स द कंपोनेंट ऑफ कॉलम एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है, मतलब कि लेसिंग भी वही काम कर रहा है जो बैटन करता है, मतलब कि यूनिफाइड बिहेवियर लाने का काम करता है। इफ़ लेसिंग मेंबर्स आर यूज्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इंक्रीज बाय 5%, इफेक्टिव लेंथ 5% इंक्रीज कर देते हैं अगर लेसिंग मेंबर्स यूज कर रहे हैं। वहीं बैटन के केस में जो इफेक्टिव लेंथ है वो 10% को बढ़ा देते हैं। टू टेक केयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स एंड शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ट्रस ऑन द कॉलम, ये ऐसा इसलिए करते हैं, इफेक्टिव लेंथ इसलिए बढ़ाते हैं ताकि लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स और शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट को हम काउंट कर सकें, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपने ये इस इफेक्टिव लेंथ को बढ़ा दिया, उस केस में देयर इज़ ए इंक्रीमेंट, मतलब कि ये जो इंक्रीमेंट आपने किया है इसके कारण होता क्या है, देयर इज़ ए डिक्रीमेंट इन FCD एंड इंक्रीमेंट इन AG, मतलब कि ग्रॉस एरिया में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, और डिक्रीमेंट क्या में हो रहा है, FCD में हो रहा है।
मतलब कि सेम फोर्स के लिए आपको सेम फोर्स को कैरी करने के लिए आपको बैटनिंग सिस्टम अगर आप लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा ज़्यादा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इफ़ेक्टिव लेंथ आप ज़्यादा मान के चलते हो जिसके कारण जो होता है क्रॉस एरिया बढ़ जाता है। तो फॉर सेम फोर्स टू बी कैरीड दी इन द बैटनिंग सिस्टम देयर इज़ मोर नीड ऑफ क्रॉस एरिया, डैट इज़ वाई इट इज़ अन इकोनॉमिकल टू यूज़ बैटनिंग सिस्टम। तो होता क्या है कि आप इस केस में लेसिंग को यूज़ करते हो, उस केस में आपको क्या होता है कि जो ग्रॉस एरिया है वो आपको कम चाहिए पड़ता है, ठीक है ना, जिसके कारण आप क्या हो जाते हो, इकोनॉमिकल हो जाते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आप देखोगे तो बेस्ट अरेंजमेंट आपको तभी प्रोवाइड होगा जब आप इकोनॉमिकल हो जाओगे और यूनिफाइड बिहेवियर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा लेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द 20 mm रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बार देन द मिनिमम विथ ऑफ लेसिंग बार शुड बी। अगर कोड के प्रोविज़न के हिसाब से जाओगे आप तो जो मिनिमम विथ है लेसिंग बार की वो 3 times दी डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट होती है, ठीक। जो मिनिमम विथ है वो ऑलमोस्ट 3 times दी वोल्ट डायमीटर होती है एंड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 होती है, ठीक है। तो 22 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 66 आएगा और नियरेस्ट मल्टीपल जो 5 का है वो कितना है, 65 है। तो 65 इज दी विथ वी विल कंसिडर फॉर नॉमिनल डायमीटर ऑफ 20 mm बोल्ट, ओके, मिनिमम विथ काय की लेसिंग बार की, ठीक है। वहीं 20 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करोगे 60 मिलेगा और ये नियरेस्ट मल्टीपल भी है 5 का। 18 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 54 मिलेगा और यहाँ पे जो 55 है वो आपका क्या है, मिनिमम विथ है, ठीक है। वहीं पे आपका 16 से मल्टीप्लाई करोगे 3 times तो आपको कितना हो जाएगा, 48 आ जाएगा और ये मिनिमम विथ कितनी मिल जाएगी, 50 mm मिल जाएगी, ठीक है।